पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार को घेरने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उपचुनाव में सभी 33 संसदीय सीटों पर खुद प्रत्याशी के तौर पर उतरने का फैसला किया, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। तहरीके इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हलके जो अभी जिनको री नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर एक। नंबर दो, उन तमाम हलकों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की कि नेशनल असेंबली की 33 सीटों पर उपचुनाव 16 मार्च को होगा। निचले सदन की 33 सीटों में से 12 पंजाब प्रांत में है, 8 खैबर पख्तूनख्वा में, 3 इस्लामाबाद में, 9 सिंध और 1 बलूचिस्तान में है। हालांकि 9 पार्टियों वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कहा है कि वो उपचुनावों में हिस्सा नहीं ले सकता, और अगर पीडीएम अपने फैसले पर अड़ा रहा तो इमरान की पार्टी बिना किसी समस्या के सभी सीटों पर कब्जा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीटीआई ने अदालत से पंजाब विधानसभा भंग होने के बाद जितनी जल्दी हो सके आम चुनाव की तारीख की घोषणा करने का निर्देश देने की मांग की, जिसके बाद लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान चुनाव आयोग और पंजाब के राज्यपाल बालिगुर रहमान को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 90 दिनों के अंदर पंजाब में चुनाव हो जाने चाहिए क्योंकि असेंबली भंग हो चुकी है, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और इस बाबत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फटकार लगाई। माना जा रहा है कि अगर मौजूदा वक्त में चुनाव होते हैं तो पंजाब में इमरान की धुर विरोधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तगड़ा झटका लगेगा। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि 2018 में 164 सीटें हासिल करने वाली पीएमएलएन को इस बार 100 से भी कम सीटें मिलेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया और उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पहले तो बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए और फिर हाथ जोड़कर उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि स्थल की परिक्रमा भी की और देश को आजादी दिलाने में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट करते हुए लिखा, मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और हम भारत को विकसित करने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सुबह से ही राजघाट में भीड़ उमड़ी। इस दौरान पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई। बापू की शहादत को नमन करने राष्ट्रपति सुबह राजघाट पहुंची और उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बापू की पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर बिखरी बर्फ ने कश्मीर को उसकी जन्नत जैसी खूबसूरती लौटा दी है। सैलानी बर्फ से ढकी वादियों को देखकर मगन हैं, तो स्थानीय लोग टूरिज्म से होने वाली कमाई से निहाल हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और तापमान शून्य से नीचे चला गया है। इस वक्त भद्रवाह किश्तवाड़ के शहर कस्बे बर्फ की जद में है। घाटी के लिए ये बर्फ किसी तोहफे से कम नहीं है, जिसका सैलानियों की आमद पर भी अच्छा असर पड़ा है। हालांकि भारी बर्फ ने लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में लोगों से कंट्रोल रूम्स के संपर्क में रहने और गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की गई है। जहाँ भी हमारे को कंप्लेंट्स आती है, हमारा कंट्रोल रूम रेडी है। हम लोगों ने पब्लिक को भी वार्निंग्स दी हुई है कि जो हमारे स्नो बाउंड एरियाज हैं, एवलांच प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पे ना जाएं जब तक कि वो बर्फबारी हो रही है। पूंछ, कुलगाम और बारामुल्ला में भी जबरदस्त बर्फ गिरी है। कुलगाम में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि रास्ते का अंदाजा लगाना तक मुश्किल हो गया।
बारामूला में भी बर्फबारी के बाद बागान सफेद हो गए, मैदानों की जगह बर्फ की परत बिछ गई और घरों की छतें भी सफेद रंग में तब्दील हो गई। श्रीनगर में भी आज सुबह से ही बर्फ गिरना शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरे शहर पर मानो बर्फ का कब्जा हो गया। ऐसी एक तस्वीर नहीं बल्कि कश्मीर में चेनाब घाटी के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त बर्फ का पहरा लगा है। वहीं जम्मू के रामबन से बर्फबारी के बीच डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर्स टूटकर सड़क पर गिरने लगे। बताया गया कि रामबन के बनिहाल में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से चट्टान खिसकी और बेहद ऊंचाई से बोल्डर गिरते हुए दिखाई दिए। पत्थरों के साथ मलबा भी गिरा और नेशनल हाईवे 44 आवाजाही के लिए बंद हो गया। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और सैकड़ों वाहन वहां फंस गए। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को बिना जानकारी के नेशनल हाईवे 44 पर यात्रा न करने की हिदायत दी है। बनिहाल बारामुल्ला के बीच भारी बर्फबारी की वजह से ट्रेन भी रोकनी पड़ी। रेलवे ट्रैक्स पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। रेलवे के मुताबिक जब तक ट्रैक से बर्फ हटाने का काम पूरा नहीं हो जाता, श्रीनगर जाने वाली ट्रेन सर्विस बंद रहेगी। इसी के साथ जवाहर टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फ गिरी है। कश्मीर के तंगमर्ग और गुलमर्ग भी एक बार फिर बर्फबारी के बाद गुलजार नजर आए।